मधुपुर के हाजी गली स्थित मदरसा इस्लामिया में सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन का भव्य स्वागत मदरसा प्रबंध समिति द्वारा किया गया। इस समारोह में राम यशो संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य समेत शिक्षक गण भी शामिल हुए। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने मदरसा इस्लामिया को अपने पुराने यादों और पुश्तैनी लगाव को बताते हुए कहा कि मदरसा शिक्षा को इस आधुनिक युग में तकनीकी शिक्षण से जोड़ने की जरूरत है। मंत्री ने मदरसा के विकास को लेकर हर संभव मदद किए जाने की बात कही, साथ ही संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के 4 वर्षों से लंबित मानदेय भुगतान को शीघ्र कराए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर SDO योगेंद्र प्रसाद ने भी अपने बातों को लोगों के समक्ष रखा। तो मेरा खानदान हमेशा मदरसा के खिदमत के लिए आगे रहे हैं, तो इस मदरसा से लगाव आज ही से नहीं है, मेरा खानदान इस मदरसा से लगाव। लेकिन अब जिस तरीके से मदरसा पुराना पैटर्न से जो चलता था, अभी कुछ मदरसा उसी पैटर्न में चल रहा है। मदरसा इस्लामिया का अच्छा पैटर्न है, इसमें हम लोग भी रहमानी 30 लाए हैं। राम वली रहमानी साहब का बहुत बड़ा देन है कि उन्होंने अब्बा का इज्जत रखते हुए इस छोटा सा शहर में सेंटर दिए। इस मदरसे का विकास का तरक्की का बात, तो जिस तरह सरकार भाई ने बोले कि यहाँ ज़मीन का खरीदारी करना ज़रूरी है, क्योंकि आप क्लास और आप पढ़ाइएगा तो उसके लिए रूम चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर नज़दीक में अगर ज़मीन मिल जाए, यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जमामंदी ज़मीन ही सस्ता मिलेगा, बसोड़ी ज़मीन से और महंगा पड़ेगा, तो उसमें हम मदद करेंगे। और जो आप एक सिकटिया में जहाँ बोले, बहुत अच्छा सोच आपका है कि वहाँ हम लोग मदरसे के लिए डोनेट किए हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं कौन जगह है क्या है, उसको हम लोग में उपस्थित संस्कृत विद्यालय के भी शिक्षक लोग हैं जो बहुत दिन से परेशान हैं मानदेय के लिए, 4.5 साल से मानदेय बंद है। हम कोशिश करेंगे आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग वहाँ पढ़ाइए, वहाँ लड़का हम कभी नहीं देखे, खाली कागज कलम में देखिए। ऊपर हम देखे हैं जो मदरसा या जो संस्था में शिक्षा ग्रहण होता है वो अपने आप मैंने खुल जाता है, मैंने विकसित हो जाता है, और खाली कागज कलम में शिक्षा जहाँ ग्रहण होता है ना, तो वहाँ बरक्कत उस मदरसे का या उस संस्था का जो संस्था रहता है ख़त्म हो जाता है। आपका हम मदद करेंगे। पहले भी मेरे वालिद साहब ने वहाँ एक बिल्डिंग दी है, तो हम खाली वहाँ हम लोग SDO साहब से अभी भी बात किए हूँ, मिल करके वहाँ का भी हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे और कितना बच्चा है, कितना उपस्थिति है वो भी देखेंगे। और आप निश्चिंत रहिए कि आपका काम हम बहुत जल्द से जल्द करेंगे। आप लोग प्रमुख शिक्षक हैं, आप देश के निर्माता हैं, क्योंकि जो आते हैं यहाँ बच्चे वो मिट्टी मिट्टी की तरह होते हैं, और आप उसको एक आकार प्रदान करते हैं। उसी का परिणाम यह है कि इस मदरसे से बहुत सारे बच्चे निकले जो आज झारखंड में के अलावे कुछ और जगहों पर भी अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित कर रहे हैं। अब मैं केवल आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि दुनिया जो है बहुत तेज़ी से बदल रही है, शिक्षा का टेक्नोलॉजीकरण हो गया है और मानदंड भी इसके बहुत ऊँचे हो गए। कदम मिलाकर चलना हो तो आपको परिस्थितियों के अनुसार और अभी का जो समय है उसके अनुसार खुद को बदलना होगा और उसके साथ कदम ताल मिलाकर के आगे बढ़ना होगा, तब हमारे बच्चे और भी कम बच्चे।